नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में मस्त होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी नई जानकारी देना चाहता हूं। वैसे पुराने लोगों के लिए ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी केवल जो हमारे नए गार्डनर दोस्त हैं, नए गार्डनर भाई हैं, ये जानकारी उनके लिए है। क्योंकि पुराने जो मित्र हैं, जो गार्डनिंग काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनको से सब बातें पता होती हैं। मगर जो ये वीडियो हमारे नए गार्डनर भाइयों के लिए है, जिन्होंने मेरे को कई बार मेरे से पूछा है, तो मैं अभी आपको बताऊं कि ये देखिए, ये एक लौकी का पौधा है। और ये लौकी पहले मैंने इस रस्सी के सहारे से, मैं दिखा दूँ आपको, इस रस्सी के सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ा दिया था। मेरे यहाँ किसी तरह का ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए आसमान की तरफ, कोई ग्रीन नेट नहीं है। इसी बेल, ये बेल इसी रस्सियों के ऊपर चढ़ गई थी और मैंने चढ़ा दिया था। हुआ क्या, लगभग इस थर्मोकोल के डब्बे से यह बेल और ये मचान जो मेरा है लगभग 5 फीट पर है। और जब इस बेल को मैंने चढ़ा दिया ऊपर, चढ़ाने के बाद इसमें लू के थपेड़े, मई जून, अभी तो मई का महीना चल रहा है, जो मई में ये जो लू के थपेड़े चले, तो उससे ये बेल जल के सूख गई थी। जितनी बेल सूख गई थी मैंने उसको काट दिया था। तो ये काटने का मतलब यही हो गया कि 3G और 4G लोग बाग जो बोलते हैं, वो मैंने पहली बार जब बेल काटी, मैं बहुत लंबे समय से गार्डनिंग कर रहा हूँ मगर मैंने कभी किसी बेल को काटा नहीं। इसलिए प्रकृति जिस तरह से प्रकृति ने उसको चला रही है, मैं उसी तरह से ही चलने देता हूँ। क्योंकि हमें किचन गार्डनिंग में, आपने सुना होगा यूट्यूब के ऊपर कि ये लिक्विड डाल दीजिए, ये फर्टिलाइजर डाल दीजिए, आपकी बेल लौकियों से भर जाएगी। अरे भाई, हमें लौकियाँ भर के क्या करनी है? अगर आपकी बेल में 20-25 लौकी लग जाएं, तो क्या डेली आप लौकी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। हमें डेली बदल बदल के स्वाद चाहिए होता है, और स्वाद के साथ साथ उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी हमको डेली बदल बदल के हमारे शरीर को चाहिए होता है। एक जैसा नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने इन पौधों को बदल बदल के खादें देता रहता हूँ, हर समय एक जैसी खाद नहीं देता हूँ, उसी तरह हमको भी बदल बदल के भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जब इसको काट दिया, विषय पर आता हूँ, जब मैंने इसको काट दिया तो इसके अंदर हुआ क्या, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए इधर, ये देखिए, ये फीमेल फूल, जिसके नीचे बतिया लगी हुई है और ऊपर फूल है। फीमेल फूल इसके अंदर बहुत ज़्यादा आने लगे, ये देखिए। मगर भैया, फीमेल फूल ही आएगा और मेल फूल नहीं आएगा तो लौकी बनेगी कैसे? ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी इधर काफ़ी सवेरे काट दी हैं, ये इधर नीचे पड़ी हुई, ये देखिए, मैं आपको अगर यहाँ दिख रही हो, ये देखिए, ये मैंने सवेरे, ये सूख गई थी, मैंने इनको काफ़ी काट दिया, क्योंकि जब उसका पॉलिनेशन नहीं होगा तो बतिया तो सूख ही जाएगी। अब जैसे ये बतिया है, ये 100% सूख जाएगी, क्योंकि इसमें मेल फूल नहीं है। जब तक इसका पॉलन इसके अंदर नहीं आएगा, तब तक ये कैसे चलेगी? अब मैं आपको इधर बताता हूँ कि ये देखिए, एक मेल फूल ये खिल रहा है। ये देखिए, मेल फूल और फीमेल फूल में आपको अंतर बता देता हूँ। ये फीमेल फूल है, जिसके नीचे एक छोटी सी लौकी, बच्चा लौकी लगी हुई है, और ये मेल फूल है, देखिए इसके नीचे कोई लौकी नहीं बनी। ये 2-4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर खिल जाएगा, और उस समय तक अगर ये फूल जिंदा रहा तो मैं इसका पॉलन लेके इस पे टच करा दूंगा, तो इसमें लौकी ये बन जाएगी। अब कराना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास, वैसे तो ये काम मधुमक्खियाँ करती हैं, हमारे कीट पतंगे करते हैं,
इसीलिए हमको अपनी गार्डनिंग में कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो कभी भी छत के ऊपर नहीं आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा कभी भी फल जो है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वही हमारा पॉलिनेशन कराते हैं हमारे पौधों में। मगर जब वो नहीं होते हैं गर्मी के कारण या किसी कारण से, तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ये ब्रश दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वही ब्रश है जिससे हम पेंट करते हैं कॉपी में। छोटे जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो अब तो सिस्टम ख़त्म हो गया लगभग, बचपन में आर्ट में इस ब्रश का हम लोग प्रयोग करते थे। अब इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कोई मेल फूल इस समय है नहीं, तो जब मेल फूल खिले तो यहाँ पे एक मेल फूल था तो मैंने उसी से इस लौकी का पॉलिनेशन किया था। ये देखिए हैंड पॉलिनेशन किया तो ये लौकी देखिए बन गई है, और ये नीचे है, मैंने इसको अब की बार चढ़ाया नहीं ऊपर क्योंकि लू बहुत चल रही है, अगर मैं इसको चढ़ा देता तो ये भी फल बन ना पाता। अब मैं इधर आपको एक कद्दू का फूल है, मैं नर फूल है, मैं उसमें से आपको करके दिखाता हूँ कैसे लेना है पॉलन। मैं यहाँ से एक कद्दू का फूल है, बेल ये नीचे जा रही, ये देखिए ये कद्दू का फूल है, और इसके अंदर ये स्टिग्मा जो होता है स्टिग्मा, ये देखिए इससे मैंने ऐसे ऐसे घुमा के ये इसका इस तरह से घुमा के ऐसे पॉलन निकाल लूँगा। ये इसके अंदर पॉलन आ गया, और इसी पॉलन को जिसमें फल बना होगा इस तरह से घुमाइए। मैं इधर पत्ता लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से लिया ब्रश और इसके बीच सेंटर में इस तरह से घुमाया, ये देखिए इस तरह से घुमाया तो इसमें जो है ना इसका स्टिग्मा इसमें आ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर दिख रहा है महीन महीन छोटा छोटा सा, ये आ गया। इसी को ले जाके जो फीमेल फूल है मादा फूल है उसमें इसको ऐसे टच करा देना, देख रहे हो, वैसे कद्दू का कराना नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरह का हो पौधा उसी में कराना चाहिए, मगर फिर भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ क्योंकि मरेगा ही मरेगा, क्योंकि मेरे पास समय लौकी का कोई मेल फूल नहीं। देखिए मैं इसको इस तरह से इसमें ऐसे घुमा देना, ब्रश को इस तरह से इसमें घुमा दिया और इसका पॉलन इसमें चपक जाएगा। वैसे तो ये मधुमक्खियों के पैरों में चपक के लगता है। ये मैंने आपको जानकारी दी कि इस समय पर आपको लौकी में किसी तरह की 3G 4G कटिंग मत करिए, और इसको ज़्यादा ऊपर मत चढ़ाइए, हो सके जितना हो सके उतना नीचे नीचे इसको छलने दीजिए। और फर्श में अगर छत के ऊपर आप कर रहे हैं तो अगर जब आपकी फर्श है छत है तो छत के नीचे में उसमें किसी तरह का गत्ता कार्डबोर्ड जो आपके घर में सामान में आता है या थर्मोकोल का कोई डब्बा हो या उसकी सीट हो वो उसके नीचे लगा दीजिए, जिससे छत की हीट जो है ना पौधे को ना लगे। अगर पौधे को छत की हीट लगेगी तो वो पौधा हीट की वजह से मर जाएगा। शाम के समय जब समय आप पानी डालें तो कोशिश करें कि छत को पूरा गीला कर दें, उससे भी इसकी हीट कम हो जाती है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।